जिंदगी रोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। कौन कौन होगी एक्ट्रेस क्रिश 4 में? क्या है क्रिश 4 की खास खबर? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। कुछ समय पहले ही इस खबर का खुलासा हुआ है कि राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक की सुपर हीरो फिल्म सीरीज क्रिश की 4th एपिसोड पर काम करना शुरू कर दिया है और इस फिल्म में ऋतिक रोशन खुद ही हीरो और विलन दोनों के रोल में दिखेंगे। इसके बाद हर कोई सोचने लगा है कि क्या फिल्म की कहानी होगी और इसमें कौन सी हीरोइन दिख सकती है। हालांकि अभी इस बात का खुलासा होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमारे अनुसार आज की ये 5 हीरोइनें क्रिश 4 का हिस्सा हो सकती हैं। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा क्रिश सीरीज का अहम हिस्सा रह चुकी हैं, इसलिए ये लाजमी बात है कि उन्हें क्रिश 4 के लिए भी अप्रोच किया जाए। हालांकि हम सोच रहे हैं कि जैसे ऋतिक डबल रोल निभा रहे हैं, वैसे भी प्रियंका क्रिश 4 में डबल रोल निभाते दिखें तो कितना दिलचस्प होगा। बाकी हम लोग प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग स्किल्स को तो बखूबी जानते ही हैं। इस समय तापसी पन्नू बॉलीवुड की ऐसी हीरोइन है जो किसी भी किरदार को बड़े पर्दे पर आसानी से निभा सकती हैं। हमें इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्हें क्रिश 4 के लिए अप्रोच किया जाए। वैसे ऋतिक और तापसी की जोड़ी बड़ी स्क्रीन पर काफी दिलचस्प लगी। आलिया भट्ट नई जनरेशन की सबसे जबरदस्त एक्ट्रेस हैं। उन्होंने लगभग हर तरह के किरदार फिल्मों में निभाए हैं और हाल में उन्होंने आयान मुखर्जी की सुपर हीरो फिल्म साइन भी की है। ऐसे में आलिया के लिए क्रिश 4 ऑफर की जा सकती है। कैटरीना कैफ के साथ ऋतिक रोशन पहले भी काम कर चुके हैं। ये दोनों लोग एक साथ बहुत ही कमाल के दिखते हैं। जिस तरह से इन दोनों की केमिस्ट्री बैंग बैंग में उभर कर आई थी, कोई बड़ी बात नहीं है कि कैटरीना क्रिश 4 का हिस्सा हो। जैकलिन फर्नांडिस, उनका नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनके पास इस समय रेस 3 और ड्राइव जैसी एक्शन फिल्में हैं, इसलिए ये बड़ी बात नहीं है कि वो ऋतिक रोशन की क्रिश 4 में भी एक्शन करती दिखाई दे। तो दोस्तों, आपके अनुसार कौन सी हीरोइन दिख सकती है क्रिश 4 में? अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।